हम लोग बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में एक और टैबलेट लिस्ट मुझे मिल गया है। कैंडिडेट ने, एक मेरे व्यूअर ने मुझे भेज दिया है वो टैबलेट लिस्ट, उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ साथ आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा का पूरा देख सकते हैं, पूरा का पूरा पीडीएफ में अपना नाम ढूंढ सकते हैं। जिसका नाम उस पीडीएफ में भी नहीं है वो लोग सेकेंड लिस्ट का जरूर इंतजार करेंगे, क्योंकि सेकेंड लिस्ट भी जरूर आनी ही आनी है। जैसे कि मैंने फर्स्ट इसके पहले एक और पीडीएफ दिखाई थी, अगर आपने वो ना देखी हो, वो वीडियो ना देखा हो, तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। मेरे वेबसाइट पर भी वह जो पीडीएफ है वह मिल जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वेबसाइट का पहला जो लिंक है वह दिया हुआ है, वहां आप विजिट करिए और सब कुछ वहां पर डिटेल में देख लीजिए। फिलहाल सब लोग अपना नाम जरूर देखें, यदि आपको कॉल ना आया हो तो अपने अभ्युदय सेंटर पर जरूर संपर्क करें, क्योंकि कॉल वगैरह आनी शुरू हो गई है। शायद लास्ट डेट कहीं कहीं का 31 अक्टूबर रखा गया है, लेकिन आप लास्ट डेट हर जगह का अलग अलग है, आप उसका वेट ना करते हुए फॉर्म वगैरह जो है सबमिट कर दें। क्या क्या सबमिट करना है उसका मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, इसी वीडियो के एक दो वीडियो पहले आप देखेंगे तो वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने वो ऑडियो भी सुनाया है जो कि अभ्युदय सेंटर के गोरखपुर सेंटर द्वारा एक कॉल एक कैंडिडेट को करी गई थी। ठीक है, तो आपको मैं पीडीएफ दिखाने वाला हूँ, देखिए आपका उसमें नाम है कि नहीं है। फिलहाल मैं सारे नाम कंटिन्यूसली नहीं दिखा सकता, थोड़ा मैं स्कैन करके जल्दी जल्दी दिखाऊंगा कि सारे मंडल का मेरे पास है, और वो मेरे वेबसाइट पर आप आ जाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए यह रहा पीडीएफ, तो यहाँ देख सकते हैं ये जो पीडीएफ मुझे मिली है यह IIT G की है, मतलब IIT की है, और नीट की, बाकी रही NDA CDS की, उसकी लिस्ट जैसी मिलती है तुरंत मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने पिछली बार बोला था कि मुझे सिविल का मिला है अभी, और जैसे ही नेक्स्ट कोई मिलेगा तो बताऊंगा। बाकी जो भी कैंडिडेट व्यूअर देख रहे हो, यदि आपको कोई भी लिस्ट इस UPSC UPPSC और IIT के अलावा मिलती है, जैसे NDA की, CDS की और नीट की, तो आप मुझे मेल जरूर करें। मेरा मेल मेरे चैनल के नाम से ही है, चैनल का स्पेलिंग पूरा देख लें, सरकारी नौकरी 2012 बस @gmail.com लगा देंगे तो सीधे मेरे आप मेल कर पाएंगे मेरे को। आप देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं आप दिखाऊँ, आगरा से स्टार्ट करता हूँ, सारे के सारे मंडल है, अभी अलीगढ़ आपने देखा होगा, अयोध्या देखा होगा, फिर सारे सारे मंडल मैं आपको दिखा देता हूँ। सारे मंडल हैं, आजमगढ़ है, बरेली है, फिर आपको दिखा दूँ मैं बस्ती है, फिर है बस्ती के बाद आपका चित्रकूट, फिर देवीपाटन है, गोरखपुर भी है। गोरखपुर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं। गोरखपुर में आपको दिखा दूँ, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं गोरखपुर का IIT का मुझे नहीं मिला सर, तो 117 लोगों का इसमें चयन हुआ है। यह वह लिस्ट नहीं है जब आपने एग्जाम दिया था और आपका चयन हुआ था, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग उसमें चयनित थे, और कम लोगों का लिस्ट में नाम होना आप समझ सकते हैं यह टैबलेट कि निशानी है कि टैबलेट इन लोगों को फर्स्ट फेज में मिलने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं झांसी है, फिर कानपुर है, सारे मंडल इसमें 18 मंडल, फिर लखनऊ है, लखनऊ में आई थिंक ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा है हर एक मामले में, और हर एक मामले में एक्टिवेट रहते हैं, शहर में आपको पता भी होगा हर एक चीज़ समय पे जान जाते हैं। देख सकते हैं 168 लोग हैं यहाँ पे। फिर आ जाता है मेरठ का नंबर, और फिर यहाँ पे मुरादाबाद है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रयागराज है, प्रयागराज के बाद आप देख सकते हैं फिर सहारनपुर है, सहारनपुर के बाद वाराणसी है, सारे मंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, विंध्याचल है, हैं सबके नाम इसमें दिए गए हैं। तो जिसके इसके नाम ना हो, नाम आपको कैसे देखना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वेबसाइट का पहला लिंक है, आप उस लिंक पर जाएंगे और सारा का सारा PDF में आप वहाँ नाम ढूंढ सकते हैं, इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अन्य PDF जैसे कि NDA की, CDS की और नीट की जैसे ही मिलती है उसका भी एक वीडियो बन जाएगा। फिलहाल कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।